महादेव तक पैदल यात्री कोरोना का गाइडलाइन करते हुए पहुंचे। पैदल यात्रा का उद्देश्य आलोट क्षेत्र में सुख शांति बनी रहे एवं सद्भावना बनी रहे, क्षेत्र में अच्छी बरसात हो एवं अनादि कल्पेश्वर मंदिर का कार्य जल्द पूरा हो, इस उद्देश्य को लेकर तथा 13 वर्षों से निकाली जा रही पैदल यात्रा कोरोना गाइडलाइन के तहत सांकेतिक रूप से निकाली गई। क्या नाम है आपका? अनिल भरावा। अनिल जी, ये क्या सवारी थी, क्या मामला था आज का, ये जो पैदल यात्रा निकाली आप? ये जय भोले भक्त मंडल के माध्यम से आलोट से मनोनिया महादेव तक 13 वर्षों से पैदल यात्रा निकाली जा रही है। इसका उद्देश्य है कि आलोट क्षेत्र में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। भगवान अनादि कल्पेश्वर महादेव का मंदिर, जो कि काफी दिनों से उसका काम रुका हुआ था, उसका काम पूर्ण हो, ऐसी भावना को लेकर के प्रतिवर्ष ये यात्रा निकाली जाती है। और अभी कोरोना महामारी के कारण पूरा विश्व इसकी चपेट में आ गया था, जिसके लिए भी हमने मनोकामना सबकी आलोट क्षेत्र की जनता की ओर से की कि इस कोरोना महामारी सबको निजात मिले और सभी स्वस्थ रहे, ऐसी भावना को लेकर इस यात्रा का आयोजन किया गया। से देखा गया कि भीड़ कम है, क्या कारण है? अभी क्या है, कोरोना महामारी के कारण पूरा विश्व इसकी चपेट में है, जिसको देखते हुए प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार हमने इस यात्रा को सांकेतिक रूप से निकालने का प्रयास किया है, ताकि जनता का ज्यादा वो नहीं रहे दबाव, जिसके कारण मंदिर पर भी ज्यादा भीड़ न रहे। इसको देखते हुए प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार हमने इसको सांकेतिक रूप से निकालने का प्रयास किया। लगभग कितने सालों से आप यात्रा निकाल रहे हैं? इस यात्रा का यह 13वां वर्ष था। अब समिति द्वारा निर्णय लिया गया है कि अगली यात्रा मनोनिया महादेव से आलोट पर लाई जाए, ताकि हमारे अनादि कल्पेश्वर का मंदिर का काम जो रुका हुआ है और यहाँ पर जो अव्यवस्था हो रही है, इसको देखते हुए सभी जन भावनाओं को देखते हुए अगली बार यात्रा मनोनिया से आलोट अनादि कल्पेश्वर मंदिर पर आएगी। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए आलोट से राकेश चौहान की रिपोर्ट।